नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये अद्भुत क्रमांक आप सभी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। स्वप्नों की श्रृंखला में आज का ये क्रमांक पूर्णतः श्री महाराज जी के विषय में आधारित है, तो आज आपको इस क्रमांक से कुछ ऐसे स्वप्नों के विषय में जानकारी देंगे जो कि आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं, और ये सारे स्वप्न महाराज जी से जुड़े होंगे। तो आपको सर्वप्रथम मैं कुछ ऐसे स्वप्न बताऊंगा जो यदि आप अपने जीवन में देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, या ऐसे स्वप्न आपको अक्सर आ रहे हैं, तो आप यह समझ लीजिए कि ये स्वप्न भी आपके लिए भाग्य परिवर्तन का एक बहुत बड़ा संकेत हो सकता है। वैसे तो मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसे पड़ाव आते हैं, कुछ ऐसे चरण आते हैं, कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जो कि मनुष्य के जीवन को परिवर्तित करने में बड़ा ही अद्भुत किरदार निभाते हैं। और स्वप्न शास्त्र के मुताबिक भी बहुत से स्वप्न ऐसे होते हैं जो कि आपके लिए ऐसे संकेत होते हैं कि जीवन में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है, जीवन सही दिशा की ओर ले जाने की आवश्यकता है, या आपके लिए कुछ सावधानी भरे भी स्वप्न होते हैं जो आपको समझने के लिए परम आवश्यक, आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए होते हैं। तो महाराज जी से संबंधित स्वप्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। बहुत से दर्शकों का एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से हमारे पास संदेश प्राप्त हो रहा है कि स्वप्न में महाराज जी हमें अलग अलग दशाओं में दिख रहे हैं, अलग अलग रूप से, अलग अलग स्वरूप से हमें दिख रहे हैं, तो इसका आशय क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूंगा कि महाराज जी का स्वप्न में दिखना, इसका सीधा सीधा आशय यह है कि महाराज जी आपकी प्रत्येक गतिविधि से अवगत हैं, उनको आपको कोई परेशानी, कोई दुख या किसी भी प्रकार की आपके मन में ही चल रही कोई असमंजस बताने की आवश्यकता नहीं है। महाराज जी सब कुछ जान रहे हैं, आपके हाल से परिचित हैं। महाराज जी का स्वप्न में दिखने का पहला आशय तो यही है कि महाराज जी आपके विषय में सभी जानकारी रखे हुए हैं। अब आती हैं अवस्थाएं कि महाराज जी को किस किस अवस्था में देखने पर हमें क्या प्रतीत होता है, हमें क्या समझना चाहिए। देखिए, बहुत सा सामान्य ऐसे स्वप्नों का एक परिलेख है जो मैं आपको बताऊंगा कि महाराज जी स्वप्न में दिख रहे हैं और महाराज जी लेकिन आपसे बात नहीं कर रहे, और भी वहाँ पे भक्त मौजूद हैं। यदि आप स्वप्न में ऐसा देखते हैं तो इसका आशय सीधा सीधा यही है कि आपके जीवन में महाराज जी का प्रवेश हो चुका है और बहुत शीघ्र ही महाराज जी की कृपा भी आपको मिलने वाली है। ये स्वप्न सीधा सीधा आपको यह संकेत देता है, ये एक इंगित आपको किया जा रहा है कि महाराज जी को आपका हाल पता है, महाराज जी आपके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। तो अपनी जो भी पूजा विधि है, ध्यान आप करते हैं, महाराज जी का नाम ले रहे हैं, महाराज जी की शिक्षाओं का अनुसरण कर रहे हैं, तो बड़ी ही सावधानी से इस कार्य को आपको यूं ही लेकर चलना है। पहला अद्भुत संकेत यह है जो बहुत से जनों को आ रहा है, बहुत से अद्भुत दर्शकों को ये स्वप्न आ रहा है। तो पहला प्रतिउत्तर मैं आपको इस प्रकार से बताना चाहूंगा, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि महाराज जी का प्रवेश जीवन में हो चुका है। बढ़ते हैं अगले संकेत की ओर। अगला संकेत क्या हो सकता है, इसी संकेतों की श्रृंखला में मैं आपको वह संकेत भी बताऊंगा जो कि बहुत ही भाग्यशाली लोगों को आता है, तो बने रहिएगा क्रमांक के साथ में। अगला जो संकेत आपके लिए है, अगला संकेत ऐसा होता है, बहुत से जन देखते हैं कि महाराज जी स्वप्न में दिख रहे हैं, बड़ा ही सुंदर वह दृश्य है, बड़ा ही विचित्र उजियारा है, महाराज जी का जो तेज है उससे आपको स्वप्न में ऐसा लगेगा कि बहुत ही चमक है, और महाराज जी का जो मुखमंडल है वह बहुत स्वच्छ, बहुत ही अद्भुत आपको दिख रहा है, और महाराज जी मुस्कुरा रहे हैं। यह स्वप्न यदि आपको दिखता है तो आपको स्वयं को बड़ा भाग्यशाली माना चाहिए, यह स्वप्न बहुत ही अद्भुत है। आप यह समझ लीजिए कि महाराज जी का यह स्वरूप देखने का आशय है कि महाराज जी आपसे बहुत प्रसन्न हैं। महाराज जी अगर आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं, आप इसको थोड़ा सा गौर से समझिएगा कि वहां पर कोई और दूसरे जन नहीं है, महाराज जी केवल और केवल आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं। बहुत उजियारा है वह तेज जो है, वह आपको बड़ा ही लुभावना लग रहा है। यह स्वप्न
आता है बहुत से दर्शकों को, तो यह स्वप्न देखकर आपको एक बात बड़े ही अद्भुत तौर पर अपने मस्तिष्क में रखनी है कि महाराज जी आप पर बड़े प्रसन्न हैं, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी सत्कर्म जीवन में कर रहे हैं उसको उसी अनुरूप में करते रहिए, उसमें बिल्कुल कटौती मत आने दीजिए। इसका एक संकेत यह भी होता है, इस स्वप्न का आशय यह भी होता है कि आप बिल्कुल सन्मार्ग पर चल रहे हैं, सही मार्ग पर हैं, जो आपके सोचे हुए लक्ष्य हैं, जो सोची हुई आपकी जो भी मंशाएँ हैं वे सब निकट भविष्य में बहुत ही शीघ्र पूरी होने वाली है। और यूं ही महाराज जी का आशीष आप पर बना रहे, तो जिस भी मार्ग पर जिस भी स्वरूप में आप कार्य कर रहे हैं इसे बिल्कुल बदलिएगा मत, इसी मार्ग पर चलते रहिएगा, सफलता बहुत शीघ्र मिलने वाली है। यह स्वप्न बहुत अद्भुत होता है, अगर आपको ऐसा स्वप्न दिख रहा है तो इसका आशय आपको यह समझना चाहिए। बढ़ते हैं अगले संकेत की ओर। महाराज जी का एक स्वप्न और भी आता है कि आप देख रहे हैं कि महाराज जी ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। यह स्वप्न सबसे सामान्य है, ज्यादातर लोगों को इस तरह का स्वप्न आता है कि महाराज जी की छवि, महाराज जी का स्वरूप बड़ा ही स्वच्छ तौर पर आपको दिख रहा है, आपको ऐसा दिख रहा है कि महाराज जी तखत पर विराजमान है या महाराज जी विराजित है और ध्यान की मुद्रा में है, या आपको ऐसा लग रहा है कि ध्यान के साथ साथ महाराज जी के मुख से राम राम निकल रहा है, या आपको लग रहा है कि महाराज जी पूरी तरह से विराजित हैं लेकिन कुछ महाराज जी ऐसी मुद्रा में हैं कि उन्होंने ध्यान किया हुआ है। यह तब आपको स्वप्न दिखता है जब आप जो भी महाराज जी की शिक्षाएं हैं उसका अनुसरण ठीक प्रकार से कर रहे होते हैं। जब भी आपको इस तरह का स्वप्न आए तो एक बात आपको समझनी है कि जो भी पूजा विधि आप महाराज जी तक प्रेषित कर रहे हैं उसका स्वरूप बहुत ठीक है, उसी क्रम में आपको बढ़ना है आगे। और इसी प्रकार से जीवन में जो आपने बदलाव किए हैं ये बदलाव सकारात्मक ही होंगे, क्योंकि कई दर्शकों को यह स्वप्न तब भी आता है कि जब वे राम राम का जाप कर रहे होते हैं। तो जब भी आप राम राम का जाप या तो आपने अभी अभी शुरू किया है या काफ़ी समय से कर रहे हैं लेकिन अब जिस स्वरूप में कर रहे हैं आपको इस स्वरूप को परिवर्तित नहीं करना है, आपको यूं ही चलते रहना है। यानी कि जितना भी समय आप राम राम के जाप में दे रहे हैं, प्रभु श्री राम जी का जो नाम है वह अपने आप में बड़ा पावन है, आपको पूरी तरह से शीतल कर देता है आपके अंतर मन को। तो इसीलिए जिस स्वरूप में आप ये ध्यान कर रहे हैं या पूजा विधि प्रेषित कर रहे हैं, राम राम का जाप कर रहे हैं या हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, या हनुमान चालीसा का पाठ करने पर भी इस प्रकार का स्वप्न आता है, तो महाराज जी इस ओर आपको इंगित कर रहे होते हैं कि आपकी जो पूजा विधि विधान है वह बड़े ही अद्भुत तौर पर महाराज जी तक पहुंच रहा है। महाराज जी ने आप अपनी जो निगाहें हैं, अपनी जो नज़रें हैं वो आपके ऊपर बनाई हुई हैं, उनकी कृपा पात्र आप हैं, निश्चित तौर पर आप ये सोच सकते हैं। और इसके साथ साथ आपकी महाराज जी के प्रति और भी घनिष्ठ जो आस्था है, भावना है, वे और भी घनिष्ठ होने वाली है, जुड़ने वाले हैं आप महाराज जी से और भी गहराई से। तो यह है वह अद्भुत संकेत। अब आते हैं आज के उस अद्भुत संकेत की ओर जो कि पूर्ण तरह से पूरी तरह से आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। और वह स्वप्न यह है कि जब आप स्वप्न देख रहे हैं कि महाराज जी विराजित हैं, बहुत ही सुंदर मुखमंडल महाराज जी का है, वही महाराज जी के चेहरे पर तेज है, वह ओज है, महाराज जी मुस्कुरा रहे हैं और आपको आशीष दे रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा इस स्वप्न को कि यदि आपको दिखता है कि महाराज जी हाथ उठाकर आशीष दे रहे हैं या मुख से आपको कोई आशीष या कुछ ये समझ लीजिए कि अद्भुत अपने शब्द आपको आशीष स्वरूप में प्रदान कर रहे हैं, तो यह स्वप्न बड़ा ही भाग्यशाली जन को आता है। महाराज जी का आशीष मिलना का सीधा सीधा अर्थ है कि महाराज जी आपसे बहुत प्रसन्न हैं। और ये स्वप्न अधिकतम उसी जन को आता है जो कि परमार्थ के स्वरूप में कार्य करते हैं, जो दूसरों की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। और ऐसा स्वप्न और ऐसा जो इंगित महाराज जी जब कर रहे हैं तो यह समझ लीजिए कि आपके जीवन में सब कुछ बड़ा ही अद्भुत होने वाला है, बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है जीवन में। महाराज जी अगर ऐसे आपको स्वप्न में दिख रहे हैं, आशीर्वाद देते हुए उस मुद्रा में आपको दिख रहे हैं, या तो हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रहे हैं, आपके मस्तक पर हाथ रख रहे हैं, या मुख से आपको आशीष प्रदान कर रहे हैं, तो यह स्वप्न आपके जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर देगा, आपके भाग्योदय में बड़ा ही सहायक होने वाला है। और जिस प्रकार से अभी आपकी रुचि है लोगों की सहायता करने में, लोगों के लिए परमार्थ स्वरूप में कार्य करने में, यह कार्यों की जो
पुनरावृत्ति है वह जीवन में बहुत ज़्यादा होगी। अब आप और भी ज़्यादा आनंदित होंगे दूसरों की सहायतार्थ हेतु कार्य करने में। तो ये समझ लीजिए महाराज जी का आशीर्वाद ही है कि अब जो आपकी रुचि है और बढ़ेगी, आपके द्वारा कई लोगों का जन कल्याण होगा, आपके द्वारा बहुत से ऐसे कार्य किए जाएंगे जो कि जनता की भलाई हेतु होंगे, समाज के हित में होंगे, समाज के लिए कोई शिक्षा स्वरूप में आप कार्य करेंगे, आप समाज में एक उदाहरण बनकर ये समझ लीजिए कि उभरेंगे। इतना अद्भुत यह स्वप्न है और जितना भी कहा जाए आप ये समझ लीजिए कि प्रत्यक्ष रूप से महाराज जी का हस्त आपके मस्तिष्क पर है, आपके सर पर महाराज जी का अभय हस्त है। तो जिसके सर पर महाराज जी का अभय हस्त हो उसे किसी प्रकार के कोई भय की आवश्यकता नहीं, बस यूं ही अभय होकर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, परमार्थ हेतु कार्य करते रहिए और जीवन में बहुत बहुत कल्याण आपके होने वाला है अगर यह स्वप्न आप देख लेते हैं। तो यह थे आज के कुछ ऐसे संकेत जो मैं आज के इस क्रमांक में आप सभी के लिए लेकर आया था और यही कामना करूंगा आज के इस क्रमांक से कि सभी को महाराज जी के आशीषपूर्ण यह स्वप्न आते रहें, सभी के जीवन में महाराज जी की कृपा बनी रहे। तो यही कामना करता हूं और इसी कामना के साथ प्रार्थना भी प्रेषित कर दी है आज की मैंने कि हमारे आज के इस क्रमांक से मैं महाराज जी को यही प्रार्थना समर्पित करना चाहूँगा कि हमारे सभी अनन्य दर्शकों के जीवन में महाराज जी का आगमन हो, महाराज जी का सभी को सानिध्य प्राप्त हो और जितने भी प्रयासरत अभी हमारे दर्शक हैं वह महाराज जी की कृपा पात्र बने और सभी के जीवन में एक नया सूर्योदय हो जो कि कल्याण की ओर आपको अग्रसर करे। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।